नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बार धरती पर उतरी यह एक देवी, या दोस्तों आखिर क्यों उतरी है यह सच्चाई जानकर आपके भी सीने में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में देवी देवता अवश्य अवतार लेते हैं। हालांकि यह देवी देवता कभी किसी की भलाई करने के लिए अवतार लेते हैं तो कभी किसी की बुराई का अंत करने के लिए। जी दोस्तों, और यशमय यह देवी आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार करने वाली है कि दोस्तों आपका दिन बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा और जो खुशखबरियां आपको आने वाले समय में देने वाली है दोस्तों, यकीन मानिए आप पूरा जीवन इन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी गहरी बातें बताने वाले हैं कि कैसे आप इस देवी की पहचान कर सकते हैं। आखिर यह देवी के धरती पर आने के बाद आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों अब आपको कौन सी विशेष सावधानियाँ रखनी होगी ताकि यह देवी आपके जीवन काल में हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, जीवन काल में खुशियाँ बरसाते रहे। जी दोस्तों, सारी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, तो दोस्तों अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को तुरंत प्राप्त होगा। जय दोस्तों, साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे कहानी से। जय दोस्तों, एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई, जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला कर रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान, यह बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं कि धरती पर पहली बार उतरी है यह देवी, आखिर क्यों उतरी है, अब आपके जीवन काल में ये कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, दोस्तों सभी जानकारी इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के मध्य में कुछ ऐसे हम आपको महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों यह देवी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपको बहुत ही बड़ा वरदान भी यह देंगी। जय दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर यह देवी धरती पर उतरी क्यों है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धरती पर देवता तभी प्रकट होते हैं जब वहाँ पर बुराई बढ़ गई हो। जय दोस्तों, और यश में भी आप सभी के जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, आपको लोग बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, जिनसे आप अच्छा भी रहते हैं वो भी आपसे बुरा रहते हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जिनका कोई भी नहीं होता उनका भगवान होता है। दोस्तों, आपने हमेशा ईश्वर पर, माता रानी पर विश्वास रखा है और दोस्तों यश में यह देवी आपके जीवन काल में प्रकट हुई है आपके जीवन काल की सारी समस्याओं को दूर करने, जीवन काल से सारी परेशानियों को खत्म करने। तो दोस्तों यह देवी की पहचान आखिर आप कैसे कर सकते हैं, इनके आ जाने से आपके जीवन काल में अब आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह देवी के आने के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। जी दोस्तों, निजी या फिर व्यावसायिक कामों में आ रही रुकावटें अब खत्म होंगी, क्योंकि यह देवी का साथ आप सभी के जीवन काल पर रहने वाले हैं,
या दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अधिकतर समय परिवार के साथ आराम तथा मनोरंजन में भी व्यतीत होगा, क्योंकि लाभ के मौके यश में बढ़ने वाले हैं और आपके लिए आरामदायक समय यश में बनने वाले हैं। आपसे सामंजस्य बेहतर होने के कारण घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। जी दोस्तों, अब आपका आने वाले समय बहुत ही सुखद व्यतीत होने वाले हैं। साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा भी यह देवी आपको प्रदान करेंगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई उत्तम समाचार मिलने से मन आपका बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह देवी का चमत्कार अब आपके जीवन काल पर रहेगा। यह समय अपनी क्षमताओं और फिर ऊर्जा का भरपूर आप उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों यह समय आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मौके यह देवी माँ देने वाली है। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आने वाले समय में आपको अपने व्यक्तित्व और भविष्य को लेकर जागरूक होना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जीवन काल में बहुत ही अच्छे रास्ते आपको यह देवी देने वाले हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से क्रियान्वित करते चले। जी दोस्तों, किसी को भी अपने गुप्त बातों के बारे में ना बताएं। यह देवी आपको कहती है कि थोड़ी सी सतर्कता रखने से अपनी योजनाओं तथा कार्य आपका सफल होगा। किसी करीबी दोस्त की मदद करने से आपका जो समय होगा बहुत ही फायदेमंद समय होगा। दोस्तों, मदद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद भी आएगा। आपको बता दें कि इस देवी के चमत्कार के कारण आप शिविर के जुनकाल में योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप करने में आप संपर्क रहेंगे और सुचारू रूप से सभी कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। आपकी किसी उपलब्धि से समाज तथा निकट संबंधियों के बीच मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यश देवी के चमत्कार से आप शिविर के जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े लाभ आपको मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े मौके आपको मिलेंगे, जिनसे दोस्तों आपके राजनीतिक या फिर सामाजिक संबंध का जो दायरा होगा वह बढ़ेगा और उन संबंधों में आपको लाभकारी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। जय दोस्तों, शादी दोस्तों इस देवी का चमत्कार आप शिविर के जुनकाल पर ऐसा होगा कि दिन का अधिकतर समय आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत होगा। आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। पारिवारिक वातावरण को और उत्तम बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और उनमें आप कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यश में इस देवी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपके जुनकाल में आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं यश में मिलने वाली है। आपको बता दें कि यश में ग्रह स्थिति इस देवी के आशीर्वाद से बहुत ही अनुकूल बनने वाली है। घर तथा बाहर दोनों जगह आपका मान सम्मान बना रहेगा। ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखें। ये दोस्तों इस देवी पर आपको बहुत ही ज्यादा आस्था रखनी होगी। आपको बता दें कि आपको अपने जुनकाल में जय माता दी का जाप करना चाहिए। जी दोस्तों, जब आपका मन अशांत हो जाए तो दोस्तों सुबह शाम आप जय माता दी शिव बोल दें। दोस्तों ये तीन शब्द का मंत्र आप शिव के जुनकाल में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो दोस्तों अवश्य आप अपने जुनकाल में जय माता दी सुबह शाम जरूर बोलिएगा। इनसे दोस्तों आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी और आप अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक सोच से लाभ के नए स्रोत को भी बना पाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस देवी के चमत्कार के कारण आप शिविर के जुनकाल में घर के रखरखाव में बदलाव होगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने में भी सफल रहेंगे। आपसी संबंधों में फिर से मधुरता आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस देवी के चमत्कार से आप शिविर के जुनकाल में सभी दरारें खत्म होने वाली है। अपनी योग्यता और क्षमता का भरपूर आप सहयोग करें। जी दोस्तों, आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। बच्चों की बेहतरीन गतिविधियां आपको खुश कर देंगे, जिनसे दोस्तों आप शिविर का जीवन में कोई भी गम नहीं होंगे। आपको बता दें कि इस देवी के चमत्कार के कारण किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आपकी किसी उचित कार्यशैली की वजह से समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। और दोस्तों ये सभी कार्य इस देवी के चमत्कार के ही कारण होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपको बस करना क्या है कि मेहनत के साथ आपको बढ़ना है। मेहनत के सकारात्मक परिणाम भी यश में आपको हासिल होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस देवी के चमत्कार के कारण कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से भी आपको आराम मिलेगा। शादी दोस्तों, आराम पाने के लिए आपको परिवार के साथ मनोरंजक कार्यक्रम भी बनाना चाहिए। इसे दोस्तों आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। सामाजिक व फिर धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी यश में रुचि बढ़ने वाली है। ये दोस्तों, हम आप शिव बता दें कि इस देवी के चमत्कार के कारण इस देवी की धरती पर उतरने के कारण आप शिव के जुनकाल में घर या फिर बिजनेस में कुछ ऐसा बदलाव होगा
जिनसे सभी योजनाएं समय पर पूरा होंगी। और दोस्तों वास्तु के नियमों पर भी आप जरूर ध्यान दें, उन पर प्लान करें, ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका प्लानिंग से काम करना तथा सकारात्मक सोच आपके परिवार के लिए नई दिशा प्रदान करेंगी। तो दोस्तों यश में आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि दोस्तों कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों वश में गुस्से अपनी जिद की वजह से परेशानियां बिगड़ सकती है। संबंधों को संभाल कर रखने में आपका विशेष प्रयास जरूरी होगा। तो दोस्तों यश में देवी कहती है कि इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। यश में कानूनी पचड़े में बिल्कुल ना पड़े, विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी कार्य में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह दोस्तों साथी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए समय घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, घर में खुशहाली भरा वातावरण व्याप्त रहेगी। शादी दोस्तों प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता आएंगी। आपका स्वास्थ्य इसमें इस देवी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं और इनके आने के बाद आपके जीवनकाल में सारे शत्रु का भी समापन होने वाले हैं। शत्रु वर्ग आपसे जीवनकाल से हटने वाले हैं। तो दोस्तों जीवनकाल में आप जरूर कुछ बातों के ध्यान रखें, जैसे कि दोस्तों किसी से बिना वजह ना उलझें। या दोस्तों वीडियो के अंत में ईश्वर का एक बहुत ही अच्छा ज्ञान। दोस्तों ईश्वर पर सदैव आप भरोसा रखिएगा, आपको उसे उत्तम दिया जाएगा। जितना आपसे लिया गया है बस आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।